नमस्कार दोस्तों, दैनिक एजुकेशन टीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बैंक रिटायर्डीज का, फैमिली पेंशनर का नहीं है, बैंक रिटायर्डीज का पेंशन अपडेशन लेके आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सो, ज़्यादा बात हम नहीं करना चाहते इसके बारे में, 5 मिनट्स लेंगे मेरा जो टॉपिक है वो डिस्कस करने के लिए, जो बैंक रिटायर्डीज है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अगर चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो बेल आइकन है दोस्तों उसको इनेबल करके रखिए, क्योंकि मेरा ये दैनिक एजुकेशन टीवी जो बेस्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जितने भी न्यूज है, जितने भी पेंशन अपडेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सब कुछ इस चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं। पेंशन अपडेशन का जो रिटायर्ड इसका 26 प्लस ईयर का जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन कैसे होगा, तो दोस्तों यूनाइटेड बैंक फोरम यूनियन ने 12 नवंबर एक मीटिंग अरेंज किया है मुंबई का एक होटल में, और उस मीटिंग में जितने भी यूएफबीयू का जो यूनियन का लीडर है सारे लोग बैठ के आईपीए का चेयरमैन के साथ पेंशन अपडेशन का बात करना चाहते हैं। इसमें दोस्तों सबसे मुख्य चीज है पेंशन अपडेशन, सीबीएस बैंक का वेजेस रिविजन, 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो फैमिली पेंशनर का पेंशन मिला है उसमें कुछ रिडक्शन देखने को मिला है, उस चीज को भी लेके मीटिंग होंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, फिर से 5 डेज जो बैंकिंग है उसको इग्नोर कर दिया है दोस्तों, 5 डेज बैंकिंग को, क्योंकि दोस्तों 5 डेज बैंकिंग एक इम्पोर्टेंट सा माध्यम है। बैंक एम्प्लॉयज को भी एक फैसिलिटी देना चाहिए आप लोगों को, जैसे LIC ने, बैंक LIC का जो यूनियन है उन लोगों ने एक सल्यूशन निकाला, और उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज्ड करके सैटरडे और संडे छुट्टी मिल गया LIC एम्प्लॉयज के लिए, मतलब 5 डेज LIC का ऑफिस खुला रहेगा। लेकिन अभी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए ऐसा नहीं है, बैंकिंग सेक्टर के लिए 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे छुट्टी है, लेकिन 5 डेज बैंकिंग का जो मुख्य विषय था 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। और मुझे नहीं लगता है दोस्तों 5 डेज बैंकिंग इतने जल्दी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉल्व करेगा। और दोस्तों जो पेंशन अपडेशन का मैं बात कर रही हूं, क्योंकि 12 नवंबर एक इंपॉर्टेंट सा दिन है, उसी दिन कुछ ना कुछ निकल के सामने आ सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, आईबीए का चेयरमैन और आईबीए का जो एडमिनिस्ट्रेटर है सब कुछ ठीक ठाक तरीके से सल्यूशन निकल गए, उसके बाद DFS का सेक्रेटरी और उसके बाद FM के साथ मीटिंग हो सकते हैं। आप तो जानते ही हो फैमिली पेंशन का मेमोरेंडम जो माननीय FM है उसके ऑफिस में चला गया है, लेकिन अभी तक 2 महीने बीत चुका है लेकिन पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। तो दोस्तों आज 5 तारीख हो गया, 7 दिन है, और इस 7 दिन में कुछ ना कुछ हम लोगों को पेंशन अपडेशन के बारे में मिल सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज का टॉपिक। टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज मेरा दैनिक एजुकेशन टीवी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।